Hello class 3, welcome back with your sunshine. So children, today we are in a mood of singing and reciting a poem. So let's start with the poem exercises. What do you think, children? Do you do the exercises? No, some of you do with Annu Gupta ma'am and some of you don't. Children, exercises are very very essential to stay fit and healthy. कई बार आपने देखा होगा ना कि so and so person है, एज तो उसकी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो लगता तो बहुत यंग है. So what makes that person look younger than his age? That is doing exercises. Right? So you also want to look younger when you grow? Yes. Okay. So children, let us enjoy this poem exercises. Okay. First we will recite it, we'll sing it, and then I will explain you. Let's start. Stand tall and stretch. Reach up, up high. Pretend you are a tree. Growing right through the sky. Bend to the floor with your knees held straight. Touch your heels till you look like the figure 8. Hop, hop on one foot, then hop on the other. Pretend you are a bird. Bobbing after its mother. Leap up so high, you could jump in a nest. Then flop down, cross-legged, and take your rest. That's all with exercises. Okay, now let us now come back to studying mode. Children, stand tall and stretch. Means सीधे खड़े हो जाओ और स्ट्रेच करो खुद को. रीच अप अप हाई, खुद को ऊपर तक ले जाओ. प्रिटेंड यू आर अ ट्री, खुद को सोचो जैसे तुम ट्री हो. ग्रोइंग राइट थ्रू द स्काई मीन्स आर्म्स ऊपर कर लो ऐसे अपने आप के, हील्स ऊपर कर लो, स्ट्रेच करो अपने आप ऊपर तक एंड फील कि यू आर अ ट्री ग्रोइंग अप. ठीक है, ऐसे सोचो कि तुम ग्रो कर रहे हो. आपको पता है स्ट्रेच का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेच? स्ट्रेच मीन्स खींचना, राइट? एंड आपकी आर्म्स और लेग्स को सीधे स्ट्रेच करके एकदम से स्ट्रेच करना, खींचना. प्रिटेंड मीन्स टू इमेजिन, आपको सोचो, एक्ट करो कि तुम जैसे कि ट्री हो, राइट? नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. बेंड टू द फ्लोर विथ योर नीज हेल्ड स्ट्रेट. आपने क्या करना है? यू कैन सी द फिगर हियर. ये फिगर देख सकते हो आप, ये दिस बॉय हियर. वो कहते हैं कि बेंड टू द फ्लोर, नीचे तक अपने आप को बेंड करो. विद योर नीज स्ट्रेट, आपके जो नीज हैं, आपके जो गोडे हैं, इनको मोड़ना नहीं है, कीप देम स्ट्रेट ओनली. सो व्हेन वी आर डूइंग दिस पोएम, ट्राई टू डू दीज एक्सरसाइजेस अलोंग विद मी, राइट? Now touch your heels, अपने हैंड से हील्स, आपकी हील्स पता है ना पीछे एड़ियाँ होती हैं, उनको टच करो. कर सकते हो? No, I know it's very difficult, पेन हो रहा है ना. Till you look like the figure 8, मिरर के सामने खड़े होकर के करना, ऐसा लगेगा आप 8 फिगर बन रही है आपकी, बिल्कुल ऐसे बन रही है, ऐसे बन रहे हो, राइट? ऐसे लगेगा आपको. Bend to the floor with your knees held straight. अपनी knees को सीधे रखो, floor की तरफ bend करो. Touch your knees, touch your heels, heels को touch करो. और ऐसा लगेगा जैसे कि आपने figure 8 बना ली अपनी body की, right? Now, hop hop on one foot, then hop on the other. इसको बोलते हैं लंगड़ी टांग. हम जब छोटे थे हम भी खेलते थे लंगड़ी टांग. सो वन लेग अप करके, वन लेग को फुल फ्लोर पे रख के स्टार्ट जंपिंग. ट्राई टू जंप किया जाता है आपसे. यस 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 यस, जस्ट लाइक दैट. प्रिटेंड यू आर अ बर्ड. एक बार इस पैर पे करो, एक बार दूसरे पैर से करो, एक बार इस पांव से करो, फिर दूसरे पांव से. एक पैर हवा में, एक पैर जमीन पर, एंड देन यू ट्राई टू जंप.
ऐसा लगेगा प्रिटेंड यू आर अ बर्ड, आपको ऐसे लगेगा कि आई एम अ बर्ड बॉबिंग आफ्टर इट्स मदर. जब बर्ड्स अपनी मम्मा के पीछे पीछे चलते हैं ना ऐसे ठुमक ठुमक के ठुमक ठुमक के, सो दिस इज द वे हाउ दी बॉबिंग, यही होता है कि ठुमक ठुमक के अपनी मम्मी के पीछे पीछे चलना. राइट, देन लीप अप सो हाई, यू कुड जंप इन अ नेस्ट. अब इतनी जोर से ऊपर तक जंप करो एंड देन फ्लॉप डाउन क्रॉस लेग्स एंड टेक योर रेस्ट. और जब नीचे बिल्कुल जमीन पर बैठते हो एकदम से क्रॉस लेग्स करके नीचे बैठ जाओ, चोट मत खाना. राइट, एंड लीप अप सो हाई यू कुड जंप इन अ नेस्ट. जैसे आप जंप करते हो नेस्ट के अंदर इतनी ऊंचे, उसके बाद यू जस्ट सिट डाउन ऑन द फ्लोर विद लेग्स क्रॉस्ड. लेग्स क्रॉस्ड मीन्स लाइक आप चौकड़ी मारते हो ना दिस वे एंड टेक योर रेस्ट. आई नो यू ऑल आर टायर्ड नाउ, है ना, थक गए हो ना, टेक रेस्ट एंड नाउ डू द एक्सरसाइजेस ऑफ योर बुक. बुक लो अपने हैंड्स में एंड डू द एक्सरसाइजेस. ओके, नाउ वॉट डज द पोएट वॉन्ट द चिल्ड्रन टू डू एवरी डे. अब क्या कहता है पोएट भी और मैम भी कि क्या करना चाहिए आपको एवरी डे, दैट इज एक्सरसाइज ए पार्ट. देन द पोएट वॉन्ट्स द चिल्ड्रन टू स्टैंड टॉल एंड प्रटेंड टू बी. क्या कहता है पोएट कि आप सीधे खड़े हो जाओ और क्या प्रटेंड करो अपने आप को, क्या समझो आप क्या हो, यू आर अ ट्री बी पार्ट. Choose the rules we should remember when we bend to the floor. जब floor की तरफ हम bend कर रहे हैं हमें क्या करना है, keep knees straight, touch the heels or both A and B. Yes, both A and B. Knees भी straight रखनी है और heels को भी touch करना है. Yes, C part both A and B. What does the poet tell us to do like a bird? Bird की तरह क्या करने को बोलता है वो? Yes, B part. Hop on one foot and then on the other. Fifth part. The poet wants the children to exercise and then take rest. Which line in the poem talks about the rest? Ab rest kahan mila aake? Last mein, end mein, last wali lines mein. Then flop down cross-legged and take your rest. Yes. Sixth one. The poet wants the children to bend till they look like the figure. Kaisi figure banane ko bolta hai? That is age. C part. Take the two pairs of rhyming words used in the poem. That is straight eight and nest rest. B and C part. Why should we listen to the poet and exercise daily? The answers are to keep us fit and healthy. And to keep ourselves refreshed. These are the two reasons why we need to exercise daily. Children, that's all with this poem and its exercise work. Hope you have understood it, enjoyed it, and also did the exercises. So, we'll meet in the Zoom class very soon. Till then, goodbye.